तुम्हारे साथ है। तुम जैसे भी हो लेकिन मंदे हो ग्रेट। इसीलिए चिंता विंता छोड़ो और जाओ सोफे पे लेट। अब देखो हमारा कमाल, फुल टूथ धमाल। चलो चलो पार्टनर। हकीम साहब जरा संभाल लेना प्लीज। क्या है? अब मुझे विकी से मिलना है। क्यों? क्यों मतलब? मुझे विकी से मिलना है। अब चलिए हटिए सामने से। नहीं हट सकते। लेकिन क्यों? अरे मत मिलो से, वो बीमार है। उसे चढ़ा 105 बुखार है। ऐसा बुखार कि जो उसके पास जाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए पतली गली पकड़ लो और यहाँ से निकल लो। What rubbish? अभी अभी वेला भी तो गया अंदर। वो गया तो है अंदर लेकिन बाहर आएगा बनके लाल बंदर। देखना है वेला के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उसका निकल गया धुआं। वेला। यस। हे सिया, तुम अब पहुंची हो? कहां रह गई थी तुम? सीला? ये क्या है? सीलिया का बड़ा भाई लालिया, उससे भी खतरनाक। अगर तुम भी अपना यही हाल बनवाना चाहती हो तो अंदर जाओ और लाल बंदरिया बन के बाहर आओ। क्या क्या प्रॉब्लम? लेकिन विकी, अब विकी। बेबे तुम हरगिज अंदर मत आना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अंदर आई ना तो वायरस तुमको भी पकड़ लेगा, इसलिए तुम जाओ बेबे। गो बेबे गो। ओ बेबे गो 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 गो। ठीक है, अब टेक केयर स्वीटी पाई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? अरे पगले, तेरे चेहरे में बात ही है ऐसी खास। हर लड़की की नजर टिक जाती है तेरे चेहरे के आसपास। देखा देखा, आप भी जान गए ना। अब क्या करूं मैं, कहां ले जाकर छुपाऊं अपने हुस्न को? अंदर। टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर रियली। चलो इसे भी ठीक कर देते हैं। गई, गई, भगा दिया। डॉक्टर जीव, डॉक्टर जंतु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे हमारी छोड़ो, मीटर देखो, समय बीता जा रहा है। जीनी, जीनी, अरे बाप रे, सिर्फ 3 मिनट बचे। देखो देखी, हमें कैसे भी करके इन 3 मिनट में जीनू को इतना हंसाना होगा, इतना हंसाना होगा कि लाफिंग मीटर 99 तक पहुंच जाए, वरना जीनू नहीं, नहीं इसे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। हैं? और हमारा क्या, हमको कुछ हो गया तो? माने हमको तो हो ही गया है, पहले हमको ठीक करो मेरी। पर करूं तो क्या करूं, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, अब इसे कैसे हंसाए हम लोग। हे विकी, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे मोबाइल में ना डैम फनी जोक्स है यार, एक तो इतना खतरनाक है जिसे याद करके मैं नींद में भी हंसता रहता हूँ। ये सुना तू, ये पक्का हंसेगी। लेकिन चींटी की माँ हाथी को रिफ्यूज कर देती है। जानती है क्यों? क्योंकि वो कहती है कि लड़के के दांत बाहर है। एक और दो कैश के अंदर। बस कर, बहुत हो गया तेरा, चुप। अरे बाप रे, सिर्फ 2 ही मिनट बचे और 2 मिनट के उस तरफ है जीनी के लिए 1000 साल का अंधेरा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ करो भगवान, कुछ करो, कुछ करो।
ओए हमारा भी तो सुनो। ताड़ा, आप देखता हूं कैसे नहीं सुनता है। बुजू, अपने नाक पे मच्छर है। आ नहीं, मच्छर जैसा नहीं कुछ और लग रहा है। हाँ जीनू, तू सही कह रही है, ये मच्छर अजीब सा लग रहा है। मैं अभी देखती हूँ। जीनू, जीनू जल्दी से देख ये मच्छर कौन है, देखना। उठ उठ उठ, देख देख ये मच्छर कौन है। ये तो चौथू जी है। ए भूत लड़की, चौथू जी मेरे नाक पे। क्या हमको देख के सिर्फ हंस रहा है? अरे ठीक तो करो मायरी। देखो बाबू, ऐ भल्ला, ऐ जिया, बुद्धर की, कोई सुनता क्यों नहीं है? से दूर हो जाओगे? I'm sorry चिनी, I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। पर जूजू, आपने कोशिश तो की। अरे अरे, look at that यार, लाफिंग मीटर देखो, तुमने स्कोर पूरा कर लिया। इसी खुशी के मौके पे शादी करते हैं। कर ले कर ले, इस बार कर ले यार। हाँ। क्या कर ले हैं? तू अपना देखना। अपना देख लेते हैं। तुम देखा, चली गई ना, दादा गई का। कर ले कर ले। देखा मैं कैसे उड़ रही थी? हाँ देखा देखा। मेरी सारी पावर्स वापस आ गई। मैं और एक बार चेक करती हूँ। हाँ चेक करो चेक करो चेक करो। हाँ सब ठीक है जीजू। हाँ डॉक्टर जंतु, हम यहाँ कैसे आए? वही तो, हमें यहाँ किसने भेजा वो भी हमें बिना बताए। जरूर जीनू ने भेजा होगा, क्योंकि उसे अपने जूजू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना होगा। जिया,
ऐसा नहीं है, इसके पीछे ना जीनी की एक गहरी सोच है। एक्चुअली वो हम दोनों को अकेला रहने का मौका देना चाहती है, इसीलिए उसने हमें यहाँ भेज दिया। अब तुम ना इन दोनों अंकल को ना ये यू डॉक्टर जंतु, क्यों ना इस प्राणी को कौवा बनाकर उड़ा दिया जाए। नाइस आइडिया। इससे भी एक बेटर आइडिया है, क्यों ना इसको मेंढक बना के कुएं में डाल दिया जाए। अरे क्यों भाई, क्यों? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे तो हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। जी एक मिनट जरा आओ ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? यही कि कैसे पूछूं, तुम्हारा लेफ्ट हैंड कौन सा? ये मैं बस यही कहना चाहता था कि क्यों ना हम इसी तरह हाथों में हाथ लिए घंटों मीठी मीठी बातें करें। वेला, अब आग से खेलोगी तो हाथ तो जलेगा ही ना। मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। देखो जीनी, तुम्हें तुम्हारी पावर मिल गई ना, अब इस पावर से मुझे जोकर से नॉर्मल कर दो ना प्लीज। ओके। सूजू, एकदम क्यूट लग रहे हो। और अब तुम भी लग रही हो मेरी जीनी। सूजू, वैसे आपने एक बात नोटिस की? क्या? आप और मैं और आप एकदम अकेले हैं। और मुझे शर्म आ रही है। बाकी सबको कहाँ भेज दिया तुमने? सबको मैंने आपके बेडरूम में भेज दिया, सिवाय एक के, मच्छर कुमार। मच्छर कुमार मतलब चतुर्जी। चतुर्जी अभी भी उड़ रहे? जीनी देखो, तुम्हें तो ये बात माननी पड़ेगी कि चतुर जी की वजह से हम सब कितने हंसे। जल्दी से उसे नॉर्मल कर दो ना प्लीज। हाँ जूजू, आपकी बात तो ठीक है, दुर्गा भाभी भी उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई होगी। बोलो। तो मैं काम करती हूँ, तो बंगाली फिल्म के हीरो और हीरोइन को मिलवा देती हूँ। प्लीज। ओके। अभी बताता है। जी, ये ऐसे उड़ते हुए घर पहुंच जाएंगे? जूजू, सिर्फ घर के दरवाजे तक, बाद में चल के जाएंगे। छोड़ो ना उनको, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? टेंशन मत लो, अच्छा वाला है। अच्छा? हाँ, एक मिनट। ये क्या है जीनी? ये मेरे उस जूजू के लिए जिसने मेरा इतना ख्याल रखा है ना मित्रम? हाँ मित्रम। जिया, ये क्या कर दिया? मेरे जलते हुए हाथों को देखकर तुम्हारा जिया नहीं जलता। ठीक कर दो ना प्लीज। ओ ले 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 ले, अभी ठीक करती हूँ। हाँ ये लो। मच बेटर, मच बेटर। एक बात बोलूं जिया, तुम्हारा दिया हुआ दर्द भी ना बहुत मीठा लग रहा था। अच्छा, फिर से दो? मजाक कर रहा था मैं। आप डॉक्टर जी, डॉक्टर जंतु, मेरे ख्याल से हमें नीचे चलना चाहिए। चलो। या चलो। जिनी। जिन जीव, जिन जंतु, मैं खबरी जिन आया हूँ और ये खबर लाया हूँ कि
जिन लैंड में आपकी अचानक सख्त जरूरत आ पड़ी है, किसी जिन के सर पे मुसीबत खड़ी है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। डॉक्टर जीव जंतु, मैंने जो बदतमीजी से आपसे बात की उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं ना कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि I'm sorry. कोई बात नहीं। हाँ, और अगर किसी को भी आपको सजा देनी है ना, तो प्लीज वेला को दीजिएगा। वो विकी का खासम खास दोस्त है। What are you saying? क्या क्या कह रहे हो? बस बस ऐसे ही, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जब जब हमारी जरूरत पड़े हमें बुलाते रहो। चले डॉक्टर जी। डॉक्टर तैयार है। ऐसी बात है वेलू, तो जब भी तुम बीमार पड़ोगे ना, मैं तुम्हें जीनी लैंड भेजूंगी उसी डॉक्टर के पास। I don't mind, क्योंकि अब तो जीनी लैंड आना जाना लगा ही रहेगा। तो वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमेशा की तरह। हाँ हाँ, तू तो बड़ा अकलमंद है ना। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बॉटल को फ्रिज में रखा किसने। ये तो जुजू महाशय से पूछो, यही बताएंगे। हेलो, मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुमने ही जीनू की बॉटल फ्रिज में रखी होगी और तुम्हारी वजह से ही वो बीमार हुई, वरना वो बीमार ही नहीं होती। What? तुम्हारे कहने का मतलब है फ्रिज में बॉटल मैंने रखी? हाँ। अच्छा, तुमने देखी अपनी आंखों से? अरे जिया कह रही है तो सही कह रही होगी ना, उसने आज तक कोई गलत बात की है? चुप्पे चमचे। देखो मैं अब भी कहता हूँ कि फ्रिज में बोतल चतुर जी ने रखी थी। अरे झगड़ा झगड़ा माफ करो, अपना दिल साफ करो। बैठो ना, क्यों झगड़ा करे, बैठो 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 बैठ बैठ चमचे बैठ जुजू बैठो। अभी पता चल जाएगा कि आखिर बोतल को फ्रिज में रखा किसने। ये बात आज सुबह 9:30 बजे की है, तो देखते एक्शन रिप्ले। मेरी एंट्री हो गई यार। स्क्रीन पे अच्छा लगता हूँ मैं। हाँ। अभी अपना कारनामा भी देखो। हेलो, किचन में पानी लेने के लिए आया हूँ मैं। किचन में पानी नहीं लूंगा तो क्या बाथरूम में जाके लूंगा मैं? देखते हैं आगे। What is this? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.